एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 8 तारीख का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैं उठते ही अभी नाश्ता बनाने में लग गई हूँ और अभी सुबह का मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आज क्या है कि पानी ख़त्म हो गया है और पानी कल भी नहीं चला था, इसी वजह से आज पानी एकदम से ख़त्म हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं उठते ही सबसे पहले अभी नाश्ता मैं बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत है पानी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन जो भी सुबह की साफ़ सफ़ाई वगैरह जो भी काम होते हैं ना, वो नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया है साफ़ सफ़ाई का काम। सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, इसके बाद मेरे बाकी काम होंगे। और गर्मी के दिनों में ये प्रॉब्लम अक्सर ही होती है, जैसे कि पानी नहीं चलता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि पाइपलाइन भी कहीं फट जाती है और लाइट का प्रॉब्लम, ये सब तो चलता ही रहता है, तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर यहाँ पर अभी मैं दूसरा काम करने लगी हूँ। और सब्ज़ी मैंने काटी थी आज बरबट्टी की और आलू, और उसमें टमाटर डाल करके इसकी मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। और बरबट्टी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, सभी को मेरे घर में पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं आलू को सबसे पहले फ्राई कर ली हूँ, और आलू जब पक गया था ना, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें बरबट्टी, छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटे हुए हैं। और बरबट्टी भी थोड़ी सी पक जाएगी, इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और बस वही हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। मसाले वगैरह मैं नहीं डालती हूँ इन हरी सब्ज़ियों में, क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ बिना मसाले के ही अच्छी लगती हैं, और अगर मैं इनमें मसाले डाल देती हूँ ना, तो किसी को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो फिर मैं हरी सब्ज़ियों को ऐसे ही बनाती हूँ बिना मसाले के। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी अभी पक रही है और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है, और इधर मेरे दूसरे काम भी होते रहेंगे किचन के। तो यहाँ पे ये रात वाले बर्तन रखे हुए थे, इनको भी मैं स्टैंड पे लगा दूँगी। और अभी ना बच्चे भी सो रहे हैं, तो अभी एकदम से घर में भी सन्नाटा सा छाया है। बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो थोड़ा देर से ही उठते हैं, और थोड़ा सा गर्मी का भी मौसम है ना, तो आलस रहता है बच्चों को, तो इसलिए मैं सुबह नहीं उठाती हूँ। जब उनका मन होता है तभी फिर वो उठ जाते हैं। तो लगभग 7:30 तक में बच्चे भी उठ जाएंगे। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह सबका हो चुका था, इसके बाद ना फिर पानी भी चल गया था। तो जब तक अभी घर की साफ़ सफ़ाई करूँगी मैं, इससे पहले मैं अपना एक ज़रूरी काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बेड को खोल रही थी और मुझे यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान ढूँढना था। इस पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है मुझे खुद भी याद नहीं है, क्योंकि अभी सारा सामान सेट हुआ ना, तो सामान तो बहुत अच्छे से रखे गए हैं सारे सामान जितने भी हैं, लेकिन अभी मैं याद करूँ ना कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। क्योंकि ऐसे ना सारा सामान एक साथ रखा गया है, तो इस वजह से एक एक करके सामान बिल्कुल भी याद नहीं है, और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं याद रहती हैं। तो मुझे आज यहाँ पर वही ढूँढना था, बहुत ज़रूरी सामान था। हमने मैं और अन्या मिल करके दोनों लोग यहाँ पर लगे हुए थे, पूरा बेड हम लोग छान मारे। एक साइड इसका 4 हिस्सा खुलता है इस बेड का, तो इस पूरे बेड को हम लोग एक एक करके खोल करके और पूरा सामान एक एक करके निकाल करके हम लोग चेक कर रहे थे, लेकिन वो सामान हमें कहीं मिला ही नहीं। तो बहुत उम्मीद लगाए थे कि मिल जाएगा, लेकिन वो सामान हमें मिला ही नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, छोड़ दिया हमने ये काम, लेकिन इस काम को करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ, और जो सामान हम लोग ढूँढ रहे थे वो भी नहीं मिला। और टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे इतना सामान रखा है, सबको हम लोग निकाल करके एक एक करके, मतलब सभी पॉलीथीन और जो बैग वगैरह रखे हैं ना, सबको देख करके खोल खोल करके देख रहे थे, तो किसी में भी नहीं मिला। और ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मैंने बोला छोड़ दो, देखते हैं फिर दूसरा ले करके आएंगे मार्केट से। तो अभी एक चीज़ के चक्कर में यही होता है ना कि ढूंढने लग जाओ तो उसका कोई भरोसा नहीं है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और टाइम काफ़ी ज़्यादा ही लग गया। और यहाँ पर ढूंढने कुछ और बैठे थे और अन्या कुछ और ही निकाल रही थी, उसके कुछ कपड़े थे पुराने नहीं, जो विंटर वाले कपड़े होते हैं, तो वो उसको दिख गए थे, तो वो बस अपना ही देखने लगी थी, मम्मा ये भी मिल गया है वो भी मिल गया है। तो अभी तो ये मिल गया है, लेकिन जब फिर हम इनको मतलब ज़रूरत होगी ना लेने के लिए, उस टाइम पर फिर ये नहीं मिलते हैं, ऐसे ही होता है ना। और जब हम सामान को रखते हैं तो बड़े अच्छे से रख देते हैं, और इतना अच्छे से वो रख देते हैं ना
कि फिर जब काम पड़ता है तो फिर मिलता ही नहीं है। जो चीज़ें रेगुलर में यूज़ होती हैं वो तो मिल जाती है, लेकिन जिनका यूज़ जल्दी नहीं होता है तो वो सामान बहुत मुश्किल से ही मिलता है फिर, क्योंकि वो जल्दी निकलता नहीं है इस वजह से। तो बस यहाँ पर बेड को हमने सेट कर दिया है वापस से, और इसके बाद अब कर लेंगे घर की सफाई। और अब ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैं जल्दी से अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। पूरा घर अभी मुझे साफ़ करना है, अंदर भी और बाहर भी साफ़ करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर अन्या का नहाना धोना हो चुका है, और इस टाइम पे जब से उनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो बच्चों का बहुत अच्छा रूटीन बन गया है। मतलब इन्होंने खुद ही अपना टाइम टेबल बना करके रखा हुआ है, सुबह उठ करके और ब्रश वगैरह करके नहा करके और फिर नाश्ता करते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा खुशी होती है, क्योंकि जब मैं काम करती रहती हूँ ना, और अगर बच्चे नहीं नहाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, तो मुझे तो इनको चिल्लाने में मेरा टाइम निकल जाता है कि नहा लो, नाश्ता कर लो। क्योंकि ये होता है ना कि जब बच्चे लोग नहा लेते हैं उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह निकलते हैं तो फिर मैं उनको धुल लेती हूँ साथ के साथ, नहीं तो फिर वो कपड़े रखे रह जाते हैं। तो जब इनकी स्कूल चल रही होती है ना, उस टाइम पे जब छुट्टी होती थी तब ये लोग इस तरह का काम नहीं करते थे। जब से गर्मी की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं ना अभी, तब से इनका ये रूटीन स्टार्ट हुआ है, सुबह सुबह नहा लेना और टाइम पे अपना नाश्ता कर लेना, खाना खा लेना, सब कुछ अपना टाइम से ही कर लेते हैं। और अभी बैठी हुई अन्य पढ़ाई करने के लिए। तो देखिए सारा काम मेरा हो चुका है, घर के अंदर मैंने पहले पूरे घर में पोछा लगा लिया है, और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सफाई कर देती हूँ, जो मेरा मेन गेट है। तो मेन गेट तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि हवाएं चलती हैं ना जैसे इस टाइम पे, और यहाँ पे जाली लगी हुई है, मतलब ओपन एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे पत्ते वगैरह उड़ करके आ जाते हैं, और धूल मिट्टी तो आती ही रहती है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जो कि डेली ही मुझे साफ़ करना पड़ता है। और घर के पास में, मतलब दरवाजे के पास में ऐसे गंदा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डेली ही मैं वहाँ पे सफाई कर देती हूँ, और बस बाहर की सफाई करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो जल्दी जल्दी से मेरा किचन भी यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने विम लगा करके ही साफ़ किया है, थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा हो गया था किचन प्लेटफॉर्म, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और बस इसके बाद जो है मैं बड़ी वाली बालकनी को साफ़ करूँगी। तो सुबह एक बार तो हस्बैंड साफ़ कर दिए थे, लेकिन फिर भी जब मैं घर की सफ़ाई करती हूँ ना, तो पूरे घर की सफाई करने के बाद सबसे लास्ट में मैं एक बार थोड़ा सा ही चाहे करूँ, सीधा सीधा जितना हमारा आना जाना होता है ना, तो उतने में मैं पानी ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि पैर में फिर धूल मिट्टी लग कर के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने किचन में बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, इसके बाद बालकनी की भी सफाई मैंने कर ली थी, और ये सारा काम मेरा हो चुका है लगभग 10:30 बजे तक में। बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन टाइम पर ही मेरा सारा काम निपट गया है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, और साथ ही साथ जो मेरा सिंक है ना, इसको भी मैं डेली अच्छे से, मतलब जितनी बार भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार मैं साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर सारा काम ख़त्म करके मैं भी नहा करके आ गई थी। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जी रोटी तो मेरी सुबह ही बन जाती है, और बस यहाँ पर मैं दाल चढ़ाऊँगी, और बस वही रायता वगैरह अगर खाने के लिए सब लोग बोलेंगे तो वो बनाऊँगी, और नहीं खाएँगे तो फिर मैं सिंपल सा वही दही रख दूँगी। और यहाँ पर मैंगो भी रखा हुआ था फ्रिज में, तो फिर मैं निकाल करके ले आई हूँ, और ये 2-3 दिन का हो गया है, तो इसको भी मैं आज ही ख़त्म कर दूँगी, नहीं तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो चलिए लंच वगैरह हो चुका था हमारा, और फिर ये दोपहर का टाइम है, और अभी मैं बस ऐसे ही लेटी हुई थी, नींद तो नहीं आ रही थी, तो बस ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, और यहाँ पर अन्य आ गई थी, बोल रही थी मम्मा दीजिए आज आपको ना नेल पेंट लगाते हैं, और उसको बहुत शौक है ये सब करने का, नेल पेंट लगाना और उसमें नेल आर्ट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मेरे पास यही 2 कलर रखे हुए थे, बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उसको मन था कि नहीं मैं इसी से करूँगी, आप बस चुपचाप लेटे रहिए, मैं आपको लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो इसको लग गया था, लेकिन बहुत अच्छे से की थी, जो भी की थी ना, और बच्चे कुछ भी करते हैं तो अच्छा ही लगता है, भले चाहे ज़्यादा टाइम लगे या फिर चाहे जैसा भी करें, तो मुझे तो अच्छा लग रहा था। वैसे मैं नेल आर्ट वगैरह मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मेरी बेटी जो भी बोलती है ना कि मम्मा आप ऐसा करो, तो फिर मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी
यही दोनों कलर से जो भी कलाकारी की गई है ना यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरीके से अन्य कलाकारी की है। और बस यही है हमारा दोपहर का टाइम जो कि खाली रहता है ना, तो ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ, ऐसे ही मैं बच्चों के साथ में थोड़ा सा लगी रहती हूँ, और सबसे ज़्यादा तो अन्य का ही रहता है मेरे साथ में ही, वो लगी रहती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से अन्य की है नेल आर्ट, और बहुत अच्छा लग रहा है ना वैसे, थोड़ा सा डिफरेंट कभी कभी करना चाहिए, अच्छा तो लगता है जब थोड़ा सा चेंज हो जाता है कुछ भी। और इसके बाद मैं भी थोड़ा सा सो गई थी, ज़्यादा नहीं बस आधे घंटे के लिए, और यहाँ पर अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं, तो बाहर ना थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि ना बादल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है इसलिए। और अभी 5:30 बजे हैं और यहाँ पे मैं आई थी बालकनी साफ़ करने के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी चारपाई में, और अन्या यहाँ पे फिर से शुरू हो गई है कि दीजिए मैं करती हूँ। और ये ना इसलिए कर रही थी कि इनको फ़ोटो चाहिए थी इस तरीके की, मतलब घर पे कुछ भी अगर बच्चे काम कर रहे हैं ना छुट्टी के टाइम पे, जैसे पौधों में पानी देना या घर की सफाई है या फिर पढ़ाई करना या टीवी देखना, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटो इनको चाहिए थी, क्योंकि इनकी मैम मतलब बोल करके रखी थी गर्मी में जो भी करना उसकी फ़ोटो ले करके और फिर मुझे सेंड करना, तो इसीलिए यहाँ पर अन्या लग गई थी यहाँ पर सफाई करने के लिए। तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ क्लिक कर ली थी क्योंकि उसको फिर मैम को भेजना था। और यहाँ पर नीचे सफाई करने के बाद फिर वही गमले में पानी डाल दी थी, और आजकल गमले का पानी भी बहुत जल्दी सूख जाता है, इतना जल्दी सूखता है ना कि पता ही नहीं चलता कि इसमें पानी भी डाला था कि नहीं, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है। लेकिन अभी 2 दिन से मौसम थोड़ा सा ठीक है, पहले से नॉर्मल है, बारिश हो गई थी हल्की फुल्की सी और थोड़े थोड़े बादल हो रखे हैं ना, तो मौसम थोड़ा सा ठीक है। और यहाँ पर अभी शाम हो गई थी और शाम के लगभग 7 बज गए थे, हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी, और यहाँ पर 3 कप चाय मैं छान करके ले रही हूँ, 1 कप ना हारुष के लिए है तो कभी कभी उसको मन होता है चाय पीने का, वैसे नहीं देती हूँ मैं रेगुलर, लेकिन कभी कभी फिर मैं दे देती हूँ क्योंकि उसको चाय बहुत पसंद है, अन्य तो बिल्कुल भी नहीं पीती है कभी भी, लेकिन आरुष को मैं थोड़ा सा फिर कभी कभी दे देती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है चाय पीना। तो वैसे तो बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए लेकिन फिर मन नहीं मानता मेरा, तो मैं कभी कभी दे देती हूँ, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा वो भी नहीं देती हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना भी बन चुका था, जल्दी जल्दी से मैंने बनाई थी सब्ज़ी और रोटी, और साथ में थोड़ा सा चावल और दाल भी रखा हुआ था दोपहर का, तो इसको भी मैं लेकर के जाऊंगी, ये भी मैं ख़त्म कर लूँगी, और जो भी खाना वगैरह बच जाता है ना थोड़ा सा तो उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फेंकते नहीं हैं क्योंकि गाय को रोटी अगर देना ही होता है तो अलग से फिर मैं दे देती हूँ। और बस यहाँ पर खाना बन गया था तो मैंने साइड में रख दिया है, और सारे बर्तन वगैरह जो भी जूठे वाले थे सभी को मैंने सिंक में डाल दिया है, और यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ सफाई, खाना खाने से पहले ही मैं किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी क्योंकि ना खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा आलस भी आने लगता है। तो अभी जब तक टाइम है, सब लोग अभी मना कर रहे हैं, लगभग 5 मिनट का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन सिंक में डाल दिए थे, और किचन को भी मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस काम को करने में। रात के टाइम पे मैं बहुत अच्छे से किचन को क्लीन नहीं करती हूँ, मतलब विम वगैरह लगा करके नहीं साफ़ करती हूँ प्लेटफॉर्म को, बस नॉर्मली ऐसे ही गीला कपड़ा करके और क्लीन कर देती हूँ, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और साफ़ भी हो जाता है। और जो भी डीप क्लीनिंग का काम होता है वो मैं सुबह के टाइम पे करती हूँ, रात के टाइम पे नहीं करती हूँ। और यहाँ पर किचन साफ़ हो गया था, इसके बाद खाना खा लेंगे हम लोग, इसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, बर्तन का काम सबसे लास्ट में ही होता है। तो देखिए अभी किचन भी मेरा क्लीन हो चुका है सुबह के लिए, सुबह का जो भी काम होगा उसके लिए, और किचन साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि रात का जो सबसे मेन काम है ना वो हो चुका है, तो इसलिए मैं किचन जल्दी से अभी साफ़ कर लूँगी, और सबसे लास्ट में फिर रह जाएगा बर्तन साफ़ करना। और यहाँ पर अभी मिल्क भी रखा हुआ है इंडक्शन में जो कि अभी आया है, तो ये गर्म हो चुका है, बस इसको भी मैंने बंद करके रख दिया है। और बस यहाँ पर खाना हो चुका था, इसके बाद सारे बर्तन मैं उठा करके लाई हूँ, और ये वाले जो जाली में रखे हुए हैं बर्तन ये शाम वाले हैं, मतलब जो दोपहर के खाने के बर्तन थे ना वो सब हैं, तो इनको भी मैं सेट कर दूंगी। और इसके बाद किचन में जितना भी जूठा वगैरह होगा ना थोड़ा बहुत जो निकलता है उसको मैं एक छोटी सी मैं बाल्टी रखी हूँ उसी बाल्टी में मैं डाल करके और फिर बाहर गिरा करके आऊँगी,
तो जूठा तो बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ती हूँ इस पे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है ना, थोड़ा सा भी अगर जूठा रहता है तो किचन में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो जब भी मैं किचन की सफाई करती हूँ तो ये सारा चीज़ मैं ध्यान देती हूँ कि कहीं अगर जूठा वगैरह भी थोड़ा सा होगा तो मैं इसको हटा दूँ तुरंत। मतलब ये काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ। और किचन का जो फ़र्श है ना, उसको मैं नहीं साफ़ करती हूँ, वो सुबह के टाइम पे ही साफ़ होता है, जब घर की सफाई होती है उस टाइम पे ही किचन का फ़र्श साफ़ होता है। तो बस यहाँ पे बर्तन धुलने से पहले ही सारा जूठा वगैरह जो भी रहता है निकाल लूँगी और फिर इसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तो और ऐसा करने से बर्तन जल्दी साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है इस तरीके से अगर काम करते हैं तो। बस यहाँ पर बर्तन साफ़ हो चुके हैं और मैं सभी के लिए मिल्क निकाल दे रही हूँ। और इस काम में मैं फिर बच्चों को भी लगा देती हूँ कि अपना अपना उठा करके ले जाओ, मैं यहाँ पे निकाल करके रख देती हूँ। और बच्चे यहाँ पर लगे ही रहते हैं तो इनको भी मैं दे दूँगी, तो ये अपना खुद से ही जो भी अपना इनका काम होता है ये खुद से कर लेते हैं। यहाँ पे सारा काम हो चुका है, मिल्क मैं रख दूँगी बचा हुआ फ्रिज में, और फिर थोड़ा सा अपना बाल वगैरह बांध लूँगी सोने से पहले, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।